तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है मतलब कि ये रहा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एफ एंड दिस एफ इज फाइव न्यूटन और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है और इसका भी सॉरी uh, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है फाइव न्यूटन नाउ ये एंगल कितना था दिस एंगल वॉज सिक्सटी डिग्री अब ये एंगल कितना होगा ये हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री क्योंकि एक लाइन का पूरा एंगल मिला के होता है 180। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है सो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं मान लेते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है सो दिस विल बी इक्वल टू एफ स्क्वाज एंड कॉस्ट ऑफ थीटा यहाँ पे थीटा कितना है थीटा है यहाँ पे 120 degree. Again, इसका रूट लेना पड़ता है राइट सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर तो अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं सो दिस विल बी फाइव स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा फाइव स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ये हो गया टू इंटू फाइव स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस 120 ट्वेंटी एंड कॉस वन ट्वेंटी का वैल्यू होता है हमारे पास माइनस वन बाई टू सो दिस विल बी माइनस वन बाई टू अगेन इसका हमें रूट लेना पड़ेगा सो so, ये माइनस ये कट जाएगा यहाँ पे देखो ये फाइव स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ये प्लस में सो so, ओवरऑल ये बचेगा हमारे पास एक फाइव स्क्वायर रूट के अंदर और इसको रूट से बाहर निकालो तो दिस तो विल बी फाइव ओनली सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज फाइव दट इज योर ऑप्शन नंबर बी सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर थैंक यू